दोस्तों आज हम इस न्यूज सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं याओ को इनके केवल पर पकड़ लिया होता है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके साथ हम देखते हैं याओ की लाइकर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और उसे बचा लेता है। याओ अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने इतनी जल्द सब को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और उस जगह से बहुत ही बदबू भी आ रही होती है। उसके साथ याओ कहता है आखिरकार मैं कहां पर आ गया। तभी एक बंदा इनके पास आता है और इनका नाम कैबिन होती है और याओ उसे कहता है कि देखो तुम पहले ऐसे इंसान हो यहां पर जिंदा आए हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम अपने पीछे देखो। उसके साथ हम देखते हैं कि उस सब डर जिंदा हो जाता है। इसे देखकर याओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके साथ याओ कहता है क्या ये ज़ॉम्बीज है, वो सो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, कई गोस्ट तो नहीं है। उसके साथ कैबिन से कहता है कि तुम ही उन्हें सबको कंट्रोल कर रहे हो, सभी पॉइंट्स में तैरोगम की मैसेज आता है, वो भी तुमने ही भेजते हो ना, आखिर तुम हो कौन। उसके साथ कैबिन कहता है तुम तो बड़ा मजाक कर रहे हो, अगर ये सब मैं करता हो तो तुम्हें मैं जिंदा छोड़ देता क्या। इतनी अफसोस की बात है, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का ही नहीं पता। उसके साथ हम देखते हैं याओ एक डंडा पकड़ लेता है, उन ज़ॉम्बीज को बांटने लगता है। उसके साथ हम देखते हैं कैबिन अपनी पावर से उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। हम देखते हैं कि याओ उन ज़ॉम्बीज को देखते हुए कहता है ये डॉल की तरह चल रही है, इनको किसी ने कंट्रोल कर रहा है तो मुझे इसको पता करना होगा। उसके साथ याओ अपनी लॉकेट पावर को यूज करने लगता है, उसे अपने डंडा में डाल देता है, उन सब ज़ॉम्बी को मारने लगता है। याओ को भी ये बात पता चल जाता है, इन सबको एक मॉन्स्टर कंट्रोल कर रही है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर याओ के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से याओ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी देखता है कि याओ की नेकलेस टूट जाता है। उसके साथ वो मॉन्स्टर याओ को दोबारा से पकड़ लेता है, उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। उसके साथ कैबिन याओ से कहता है अगर मैं चाहे तो तुम्हें बचा सकता हूँ मगर इसके लिए तुम्हें पे करना होगा क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कैबिन याओ को बचा लेता है। उसके साथ कैबिन याओ दोबारा से कहता है ये बच्चे मेरी बात सुनो, तुम तो उसे अकेला ही हरा देते, मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत है। जिस पर याओ कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी, कैबिन से कहता है कि हाँ तुम्हारी बॉडी। तभी कैबिन अपनी पावर को याओ के अंदर डालने लगता है। उसके साथ हम देखते हैं याओ के अंदर एक पावर एक्टिवेट हो जाता है, वो कैबिन के पावर को अपनी बॉडी में घुसने नहीं देता, तो ये देखकर कैबिन हैरान हो जाता है। उसके साथ कहता है ये वही तो नहीं है, फिर वो सोचने लग जाता है उस बंदे के बाद सच हो रहा है। उसके साथ हम याओ कहता है आखिर तुम हो कौन, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। जिस पर कैबिन कहता है मैंने तुम्हें पावर दिया है ताकि तुम अपने दुश्मन को देख सको, एक ईगल मॉन्स्टर है, तुम्हें इसे से फाइट करनी होगी, तुम्हें इसे किल करना होगा, ये कहकर याओ धक्का दे देता है। और उसके साथ हम देखते हैं वो ईगल दोबारा से याओ को पकड़ लेता है। उसके साथ याओ कहता है धक्का क्यों दिया भाई। जिस पर कैबिन कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर पावर डाला है, उसका यूज तो करो। उसके साथ याओ उसे दोबारा से छुड़वा लेता है और वो अपने हाथों को देखता है तो उनके हाथों में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है, मगर उसकी तरफ ईगल मॉन्स्टर को देखते हैं दोबारा से याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर वो उसके अटैक से बच जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। जिसे देखकर कैबिन कहता है कि ए उल्लू अपनी पावर तो यूज करो, तुम्हारे अंदर किस तरह की पावर है। जिस पर याओ कहता है कि यहाँ खड़ा होकर बात करो, मुझे हेल्प करो। हम देखते उस ईगल के अटैक याओ के पैर पर लग जाता है। उसके साथ याओ कहता है तो आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ क्या, मैं ऐसा नहीं मर सकता। और फिर हम याओ के हाथों को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ एनर्जी निकल रही होती है, तभी उनके अंदर एक ऑरा निकलती है और उनकी सारी पावर को एक्टिवेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ईगल मास्टर को भी दोबारा से याओ पर अटैक कर रहा होता है, याओ उसको एक हाथ से पकड़ लेता है और उसको इधर उधर घुमाने लगता है। उसके साथ हम देखते हैं याओ अपनी पावर से उसे जलाने लगता है जिसकी वजह से वो ईगल तड़पने और चीखने लग जाता है। उसके साथ हम देखते हैं कैबिन जो ब्लेड को उस मास्टर पर लात पर मारता है जिससे उस मास्टर का लात वहीं पर कट जाता है, मास्टर वहीं पर ही मर जाता है। उसके साथ कैबिन याओ से कहता है कि किसी भी इंसान में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, मगर हम देखते हैं कि याओ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है। वो सीधा आकर कैबिन पर अटैक कर देता है मगर कैबिन उसे एक मारकर बेहोश कर देता है और याओ फिर से होश में आता है तो याओ अपनी आंखें खोलता है। उसके साथ कहता है कि अभी अभी क्या हुआ। जिस पर कैबिन कहता है कि ए बच्चे तुम पास हो गए, मैं तुम्हारी पावर को चेक कर रहा था, तुम तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। उसके साथ याओ उस मास्टर को मरता हुआ देखता है तो उसके कहता है क्या ये सब मैंने किया। जिस पर कैबिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने ही किया। उसके साथ कैबिन वहाँ से जाने लगता है। उसके साथ याओ कहता है तुम हो कौन, तुम अपने नाम तो बताओ। तो कैबिन उसे कहता है कि मेरे बारे में जल्दी पता चलेगा, लोग यहाँ पर सफाई करने के लिए आते ही होंगे, अगर तुम्हें इस जगह पर देख लिया तो तुम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। उसके साथ याओ कहता है एक मिनट रुको, मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, उनकी आई की लोकेशन यहीं पर थी। और फिर याओ उन सभी डैशबोर्ड को देखने लग जाता है तो उसको वहाँ पर एक मोबाइल मिलता है, तो उसे देखकर उदास हो जाता है और उसके साथ रोने लगता है। उसके साथ याओ कहता है दोस्त तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि वो सीगल मॉन्स्टर दोबारा से याओ के ऊपर अटैक करने लगता है और उसके साथ हम देखते हैं कैबिन उसका सामना करने लगता है, मगर कैबिन को पीछे से अटैक करते हुए महसूस होता है, खुद को और याओ को बचा लेता है। वो अटैक ईगल बॉडी पर आर पार हो जाता है तो उस ईगल मॉन्स्टर का डेथ वहीं पर ही हो जाता है। उसके साथ हम याओ को देखते हैं वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों हमारे एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है, आपको वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आने वाली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।